हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में मैं एक गीत लौट के आजा मेरे मीत, जिसका कि ट्यून सेंस सीरीज में पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, अब उसे हारमोनियम पर बजा करके मैं आपको बता रहा हूं पार्ट वन का। और मैं पार्ट पार्ट इसीलिए बताता हूं ताकि आप सभी उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरा मकसद होता है कि आप अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। यूट्यूब से आप सीखते हैं, लेकिन रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जैसे कि आप अच्छे से कहीं बैठ कर सीख रहे हों, ठीक है। इसीलिए मैं उसे पार्ट पार्ट देता हूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं हारमोनियम पर कैसे बजाएंगे। फर्स्ट ब्लैक से यह बजाया गया है, सी शार्प से। तो सबसे पहला पार्ट इस तरह है, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। ये तीन पार्ट में है। पहला पार्ट सा से शुरू करते हैं, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। आगे आ, लौट के आ जा मेरे मीत, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक बार फिर से दूसरी लाइन, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत। पहली बार जब संगीत करते हैं यहां, तो यहां पर आठ मात्रा रुकते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आ जा मेरे मी। अभी इसका जो दूसरा पार्ट मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें होगा अंतरा। सबसे पहले अंतरे का पार्ट टू जो है ट्यून सेंस सीरीज का मैं रिकॉर्ड करूंगा, जिसे कि मैं आपको, जिससे आपका ट्यून सेंस डेवलप हो,
इसीलिए उसमें मैं हारमोनियम नहीं बजाता हूं, हारमोनियम बजाता हूं परंतु आपको दिखाता नहीं हूं, ठीक है, ताकि आप उसे खुद समझने की कोशिश करेंगे वाइब्रेशन के आधार पे, आवाज के आधार पे, आवाज नीचे है या ऊपर है उसमें आप ध्यान रखेंगे। तो जब ट्यून सेंस सीरीज मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूं तो आप उस पर थोड़ा मेहनत जरूर किया करें, क्योंकि जब मैं हारमोनियम पर बजा के देता हूं तब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप कीज देखते हैं, नोट्स को देखते हैं, हारमोनियम को देखते हैं और बजा लेते हैं। लेकिन जब हारमोनियम नहीं रहता है तो उसमें दिमाग का काम होता है, सोचना पड़ता है थोड़ा, आवाज कहां स्वर में मिल रहा है, तो उससे आपका ट्यून सेंस डेवलप होगा। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि हारमोनियम देख करके बजाने से अधिक मेहनत करें आप जिसमें हारमोनियम नहीं बजाया जाता है, तभी आपका डेवलप होगा ट्यून सेंस। तो इंतजार करेंगे उसके लिए, और एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि जो भी अपलोड हो उसका आपको पता चल जाए कि आज ये अपलोड हुआ है। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और सभी लोगों में संगीत का प्रचार प्रसार करें खूब जमकर, और कोशिश करें बच्चा बच्चा बुजुर्ग सभी लोग म्यूजिक से जुड़ें, कुछ भजन गाएं, कुछ गाने गाएं और अपने जीवन में आनंद लें, ठीक है। और फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।